हाय देयर। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन मोर टॉपिक दैट इज परपेचुटी। अगर हमको जो कैश फ्लोज, हम से फॉर एग्जांपल आपने एक परपेचुअल प्रेफर्ड स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज एक अमाउंट ऑफ डिविडेंड फिक्स हो जाता है कि फेस वैल्यू 100 है, उस पर आपको 8% का डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज 8% डिविडेंड यू विल बी गेटिंग एनुअली एंड दैट इज फॉर परपेचुटी। तो आपको लाइफ टाइम के लिए एट द एंड ऑफ एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग दैट $8 ऑफ डिविडेंड। So in that case, how do you calculate the value of your, say for example, your preferred stock or your preferred, जो भी आपको security मिली उसका। So let us understand what perpetuity is. There are financial instruments that pay a fixed amount of money at set intervals over an infinite period of time. So infinite period of time तक भी अगर हमको कोई cash flows दे रहा है, so there is going to be a price attached to that security. Alright. So to calculate that, we simply have to have the PMT. That is the dividend amount which they are paying. Say for example, $8 का dividend दे रहे और सालाना दे रहे आपको, ठीक है? So in that and you'll have to divide that by the periodic rate. So question करते हैं, दो तीन तो अब समझ में आ जाएगा उसमें. Again, let us see the example. The preferred stock we have is $4.5, ठीक है? Annual dividend है, at the end of each year मिल रहा है. हमको मिलेगा कब ये? Next year से मिलना चालू होगा. तो say for example, 1 year पे मिलेगा, 2 year पे मिलेगा, 3 year पे मिलेगा, 4th year पे मिलेगा. यहाँ पे हमको ये डिविडेंड जो है वो मिल रहा है और आगे भी मिलता ही रहेगा। ऑलराइट, द आई बाय वाई वी हैव इज 8%। ऑलराइट, सो द डिविडेंड इज 4.5, विल हैव टू डिवाइडेड बाय 8%, दैट इज 0.08। सो इट टर्न्स आउट दैट द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी स्टॉक इज समवेयर अराउंड 56.25। ऑलराइट, 56.25 है, 4.5 का हमारा रेगुलर डिविडेंड था। नाउ देर इज़ वन मोर केस योर, एक थोड़ा सा अलग है, जिसमें जो पहला डिविडेंड मिल रहा है वो फोर्थ ईयर पे मिल रहा है, ऑलराइट, एंड बाकी के जो भी डिविडेंड है हमारे वो आते रहेंगे फोर्थ ईयर के बाद, पर पहले 3 साल कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इन दैट केस हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू? सो 4.5 डिवाइड बाई 0.08 करोगे तो आपको 56.25 वैल्यू मिल जाएगी। ये 56.25 जो वैल्यू है वो टाइम पीरियड 3 पे आई है। ऑलराइट, क्यों टाइम पीरियड 3 पे आई है? एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी हमको कैश फ्लो फर्स्ट से चालू हो रहा है और प्रेजेंट वैल्यू एक पीछे आई थी। यहाँ पे भी कैश फ्लो फोर से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू एक पीछे आई है, दैट इज एट दिस पॉइंट इन टाइम 56.25 हमारी वैल्यू आई है। नाउ इसको हमको जीरो पे लेके आना है, तो विल हैव टू डिस्काउंट इट थर्ड ईयर की वैल्यू को एक बार, दो बार, तीन बार, तो विल हैव टू डिस्काउंट इट थ्राइस। तो 1.08 टू द पावर 3 कर दूंगा मैं। ऑलराइट, सो हमको बेसिकली करना क्या, 56.25 डिवाइड बाई 1.08 की पावर 3 करना है। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो हमने वो कर दिया, 1.08 की पावर 3 कर दिया, तो ये वैल्यू आई। अब इसको मैं 1/x लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 56.25 कर दूंगा। सो दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक एट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज 44.65। सो दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ परपेचुटी। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल दैट यू आर एबल टू यू नो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परपेचुटी इन अ वेरी सिंपल मैनर, वेयर बाय यू हैव द डिविडेंड इन द न्यूमरेटर एंड यू हैव द पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट इन द डिनोमिनेटर एंड यू कैन फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। And that present value should be the value of a preferred stock. Again, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि the dividends which you might start receiving would not be from the next year. Alright, ऐसा case भी हो सकता है। So in that case, you'll have to apply the concepts of TVM and you'll be able to do it. But in this case, आपको next year से ही मिलना चालू हो रहा था, तो आपने वैसे apply कर दिया है। So after this, we'll be understanding how to figure out the project, how to figure out the cash flow projects of different cash flows rather. And then we'll figure out कि उसका NPV IRR कैसे आएगा।